हेलो बच्चों, देखो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आईसीएसआई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लिया और बहुत अच्छा अनाउंसमेंट लिया। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो क्लास 12th में थे उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन सीएस के लिए करा लिया था और उन्होंने सीएस एंट्रेंस जो है उसका एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, सीएस ज्वाइन कर लिया और एंट्रेंस दे भी दिया। इंस्टीट्यूट की पॉलिसी ये होती है कि आप हमारा एग्ज़ाम दे सकते हो आईसीएसआई का, जब आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप अपलोड कर देना प्रोविजनल बेसिस पे। इट मीन्स अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो इंस्टीट्यूट कहता है कि प्रोविजनल बेसिस पे आप हमारे यहाँ एनरोल हो जाइए, रजिस्टर हो जाइए, एग्जाम दे दीजिए और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वो आप हमें भेज देना, अपलोड कर देना। बट मुद्दा ये उठता है कि अभी तो क्लास 12 के एग्जाम से नहीं हुए, एग्जाम्स होंगे, कुछ बच्चों ने सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम दे दिया है। तो अब मुद्दा ये उठता है कि वो जो सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम उन्होंने दे दिया है तो वो तो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए सीएस एग्जीक्यूटिव, बट उनका क्लास 12 का रिजल्ट नहीं आया। तो इंस्टीट्यूट की डिमांड होती है कि हमें आपका रिजल्ट चाहिए, बट वो रिजल्ट अभी नहीं आया। तो इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक रिलैक्सेशन दिया और वो क्या रिलैक्सेशन दिया वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। 8 मई 2021 में हमारी जो काउंसिल है ऑफ आईसीएसआई, उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने एक डिसीजन दिया जो आपके फेवर में है। वो क्या है? वो उन बच्चों के फेवर में है जो बच्चे सीएसडब्ल्यूटी क्वालिफाई कर चुके हैं और उनका रिजल्ट अभी नहीं आया। क्या है थोड़ा सा समझते हैं। टेम्परेरी रिलैक्सेशन टू बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड, जो लोग क्वालिफाइड कर चुके हैं क्या सी एस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, इट मीन्स इसको सी एस डबल ई टी बोलते हैं, आर शेड्यूल टू अपियर इन 12th एग्जामिनेशन 2021 कंडक्टेड बाई सेंट्रल और स्टेट बोर्ड टू सीक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग 10+2 एग्जामिनेशन विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन टू द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इट मीन्स पॉइंट की बात यहाँ पे क्या है, हालांकि मैंने आपको पढ़ के सुना दिया पूरा, आप देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने टेम्परेरी रिलैक्सेशन दिया है, इट मीन्स इनकी कहानी क्या थी, इनकी कहानी ये थी कि जैसे आपने आज रजिस्ट्रेशन कराया तो उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको अपना रिजल्ट इनको देना होगा, आपको इनको रिजल्ट देना होगा। लेकिन अभी तो क्लास 12 के एग्जाम नहीं हुआ है तो रिजल्ट ये कहाँ से दें, और इन बच्चों ने सीएस का एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिया है, सीएसडब्ल्यूटी का एग्जाम जो दे रहे हैं, अब ये सीएस एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं तो उनका क्या हो। तो उनके लिए इंस्टीट्यूट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आ जाओ और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा वो रिजल्ट आप दे देना। तो ये उन बच्चों के लिए एक रिलैक्सेशन है, जो बच्चे क्लास 12 का रिजल्ट अभी नहीं आया। तो इट मीन्स यहाँ पे एक बात है कि आप अगर 12th क्लास का आपका रिजल्ट नहीं आया, 12th पास नहीं हुए, फिर भी आप सीएसडब्ल्यूटी का मतलब सीएस को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। यही बात मुझे बताने के लिए, आपकी आपके बेनिफिट के लिए इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, जो इंस्टीट्यूट ने बेसिकली 8th ऑफ मई 2021 को ये डिसीजन लिया है और इसका फायदा ऑब्वियसली आप ही के लिए लिया है, इंस्टीट्यूट भी आपके फायदे के लिए काम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है ड्यू टू द पेंडेमिक, सो ये एक बेनिफिट है कहीं ना कहीं किसके लिए, उन बच्चों के लिए जिनका अभी क्लास 12 का रिजल्ट नहीं आया, वो आगे सीएस कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू एंड आई हैव अ नाइस।